हेलो गाइस, चलिए आज बनाते हैं विंटर में खाई जाने वाली गुड़ पापड़ी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन गरम करा है और उसके अंदर 2 कप मुरमुरे डाले हैं और मुरमुरे को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है ताकि मुरमुरे में कोई भी तरह का मॉइस्चर ना रहे, जिससे हमारी गुड़ पापड़ी है वो क्रिस्पी बनेगी। इसको भूनते टाइम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ वो नीचे से जल जाएगा। हमारे मुरमुरे अच्छे से सिक गए तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल कर अलग रख देते हैं। तब तक हम एक गुड़ की चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने उसी सेम पैन के अंदर 1 कप गुड़ लिया है और उसको एकदम लो फ्लेम पर मेल्ट होने के लिए रख दिया है। गुड़ जब तक पिघलता नहीं है तब तक हम उसको चलाते रहेंगे। आप उसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो वो नीचे से जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी परफेक्ट बनी है या नहीं बनी है। उसके लिए एक कटोरी में पानी डालेंगे और 2-3 बूंदे गुड़ की चाशनी की डालेंगे और देखेंगे कि वो इजीली हाथ में आ रही है और एक लड्डू के फॉर्म में बन रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और साथ ही 1/2 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे। अब यहाँ पर मैं 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। इन सभी को डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी चाशनी गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून घी डालकर उसको पतला कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने मुरमुरे सेक के रखे थे वो डाल देंगे और इसको गर्मा गर्म ही अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर वो ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। गुड़ पापड़ी सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रे ली है। ट्रे के अंदर गुड़ पापड़ी का मिक्सचर डालने के बाद हम इसको हाथों से प्रेस करके इसको सेट कर देंगे और गार्निश के लिए मैं यहाँ थोड़े पिस्ता डाल रही हूँ। तो लीजिए, तैयार है हमारी गुड़ पापड़ी और इसी पापड़ी के मिक्सचर से आप लड्डू भी बना सकते हैं। पर ध्यान रखें कि मिक्सचर गर्म हो तभी लड्डू बनेंगे, अदरवाइज वह नहीं बनेंगे।